चैप्टर हम लोग कर रहे हैं दीदी, अब सुनो, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कौन सा भाई? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलिए, वापस से बोलिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड, सुनिए सबसे पहले सेट ऑफ का मतलब क्या होता है ये सुनिए। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। लॉस का एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ। लॉस का एडजस्टमेंट कैसे होगा? सेम हेड का इनकम से या तो दूसरे हेड का इनकम से, सेम हेड का इनकम से या तो दूसरे हेड का। देखिए सेटअप का डेफिनेशन लिखवाए हुए हैं कि सेटअप मींस एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स और वन हेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स। माने या तो सेम हेड से हो जाएगा या तो दूसरे हेड से होगा, समझ पा रहे हैं? और अनदर हेड, इसी को हम कहते हैं सेटअप। क्या कहते हैं? साधारण भाषा में कहेंगे तो सेटअप मींस एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। लॉस का क्या करना? एडजस्टमेंट करना। लॉस का क्या करना? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? सेटअप। क्या कहते हैं भाई? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का दो तरीका का सेटअप होता है, एक है इंट्रा हेड और एक है इंटर हेड। इंट्रा हेड का मतलब होता है कि जिस हेड का लॉस है उसी हेड का प्रॉफिट से सेटअप होगा, जिस हेड का लॉस है उसी हेड का दूसरा जगह से सेटअप नहीं होगा। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कहां से सेटअप होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, और कहीं से सेटअप नहीं होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? माने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से सेटअप होगा, कहां से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, दूसरा जगह से सेटअप। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? लॉस, लॉस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टा में रुपया हार गए हैं। सट्टा, सट्टा समझते हैं ना, जुआ, जुआ, सट्टा में रुपया हार गए। सट्टा में रुपया अगर हारे हो, स्पेकुलेशन बिजनेस किए हो, माने सट्टा का बिजनेस किए हो, सट्टा का क्या किए हो? सट्टा का बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो सट्टा का बिजनेस का प्रॉफिट से सेटअप करना। जब ड्रीम इलेवन शुरू शुरू आया हुआ तो ड्रीम इलेवन कंपनी को फायदा थोड़ी हुआ होगा, प्रचार किया, पूरा सेटअप किया, पैंतरा किया, नहीं समझे, तब जाके आज कमा रहा है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तब जाके आज कमा रहा, तो जब शुरू में किया उससे मतलब लॉस हो रहा था। किधर से लॉस हो रहा था भाई? स्पेकुलेशन बिजनेस। आप लोग जो सट्टा खेलते उसके लिए नहीं, समझ रहे? एक मिनट, क्या है? सुनिए ध्यान से, किसका बात कर रहे भाई? ध्यान से समझिए, किसका बात कर रहे? स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टा का बिजनेस खोले हैं, तो सट्टा का बिजनेस खोलते खोलते लाभ थोड़े होगा, इतना हाई रिस्क से बिजनेस खोल रहे हो तो लॉस तो होगा, तो उसका लॉस उसी का प्रॉफिट से सेटअप होगा, दूसरा प्रॉफिट से सेटअप। फिर देखिए, लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD। देखो ये नामी है, 35AD में ना कुछ बिजनेस होता है जो स्पेसिफाइड है, जैसे कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या कोल्ड चेन बना रहे हैं, इस तरीके का नाम बोल देगा 35AD, समझ जाइएगा। 35AD भी स्पेकुलेशन बिजनेस का तरह ही है, इसमें भी अगर लॉस हुआ है तो जिस बिजनेस में लॉस हुआ उसी का बिजनेस का प्रॉफिट से सेटअप होगा, दूसरा जगह से सेटअप नहीं। फिर देखिए, लॉस इनकर इन एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। घोड़ा रेस खेलवा रहे थे, घोड़ा रेस खेलवा रहे हैं, उसमें लॉस हुआ है तो उसी का प्रॉफिट से सेटअप होगा, दूसरा जगह से सेटअप, समझे? माने पुष्पा की तरह है, समझ पा रहे? माने झुकेगा नहीं, अपना हेड से सेटअप करेगा। पुष्पा बोलता था ना डायलॉग था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसा ही है कि अपना ही हेड से सेटअप होगा, किसी और से सेटअप, किसी और से इसको मदद नहीं चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये लोग मदद किसी और को कर देगा, लेकिन ये लोग को मदद किसी और से नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? नाम याद रहेगा, ये लोग कौन से हेड में आएगा? इंट्रा हेड, माने सेम हेड का इनकम से सेटअप होगा, किसी दूसरे हेड का इनकम से सेटअप। क्या क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, और लॉस फ्रॉम ऑइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? रेस हॉर्सेस, लॉस इनकम फ्रॉम ऑइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। ये हेड है जो है इंटर हेड है। इंटर हेड का मतलब लॉस हुआ तो पहले अपने हेड से सेटअप होगा, अपना हेड से सेटअप नहीं हो पाया तो किसी और का हेड से सेटअप हो जाएगा, किसी और का इनकम से सेटअप हो जाएगा। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे यहां देखिए, किसका बात कर? इंटर हेड एडजस्टमेंट। बोले क्या बोले? जोर से बोलिए, इंटर हेड एडजस्टमेंट। देखिए लिखे हैं, इट मींस एडजस्ट लॉस फ्रॉम सेम सोर्स
ऑफ इनकम एंड अनदर सोर्स ऑफ इनकम, माने सेम सोर्स से एडजस्ट होगा नहीं तो दूसरे स्रोत से भी एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम क्या चीज, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में जल्दी किसी को लॉस नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी में किसी को जल्दी घर भाड़ा में देगा क्या लॉस होगा रे बाबा, घर भाड़ा में देगा तो क्या लॉस होगा, लेकिन कभी कभार हो जाता है सर, चिटर रेंटर लोग मिल जाएगा तो हो जाता है। समझे क्या बोले, नहीं देख पाए, नहीं पकड़ पाए, लॉस कर दिया, नहीं समझे, घर का माल खोल के ले गया, फर्नीचर खोल के ले गया, एसी खोल के ले गया, कभी कभी हो जाता, भाड़ा भी मार गया, नहीं समझे। हाँ, कभी कभी दुष्ट लोग आ जाता, दुष्ट लोग को भगाने के लिए फ्री में हाथ जोड़ना पड़ता, जाओ रे बाबा इधर से पहले खाली करो, समझे, तो लॉस हो जाता कभी कभी। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो किसी भी हेड का इनकम से सेटअप हो जाएगा, पहले अपना हेड, अपना हेड से नहीं हुआ तो किसी भी हेड का इनकम से सेटअप, लेकिन दूसरे हेड का इनकम से सेटअप करने जाओगे तो मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप करने देंगे, इससे ज्यादा सेटअप मैक्सिमम कितना सेटअप करने देंगे, 2 लाख, तो 2 लाख ठीक ही है, 2 लाख रुपया मैक्सिमम, 2 लाख, 2 लाख से कम करने देंगे लेकिन 2 लाख से ज्यादा करने, क्लियर है क्या, पक्का आगे बढ़े। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड बिजनेस में भी एडजस्ट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम, अगर बिजनेस में लॉस हुआ, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं, सट्टा वाला बिजनेस नहीं, नॉर्मल बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप किसी भी हेड का इनकम से आप सेटअप कर सकते हैं, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी में हाथ नहीं लगाने देंगे, सैलरी का इनकम से आपको सेटअप करने नहीं देंगे, समझे, माने कहीं से भी सेटअप करो लेकिन सैलरी को छोड़ के, सैलरी को। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह से सेटअप होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो रहा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो रहा तो किससे सेटअप होगा, लॉन्ग, सेटअप माने समझ रहे हैं ना, एडजस्ट करना माने माइनस करना, समझ रहे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं होगा तो किससे होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नोट लिख दिए हैं, नोट क्या लिखे, एनी लॉस, एनी लॉस क्या लिखे भाई, एनी लॉस क्या लिखे, एनी लॉस कैनॉट बी एडजस्ट, एनी लॉस कहां से, फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, माने लॉटरी से रुपया जीते हो, लॉटरी फोर्ट्री से रुपया जीते हो तो कोई भी लॉस उससे सेटअप, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई भी लॉस सेटअप, क्लियर है क्या। कौन कौन सा ऐसा इनकम है, कौन कौन सा ऐसा लॉस है जो सेम हेड से सेटअप होगा, पहला क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और रिसोर्सेस, कौन सा, और स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 3580, ये सेम हेड का इनकम से होगा दूसरे हेड से, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, माने दूसरा कोई लोग मदद करेगा लेकिन लॉस अपने हेड से ही सेटअप करेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, माने देव मानुष की तरह है, देव मानुष नहीं समझते हैं, अपना लॉस कर लेंगे तो अपने हम सेटअप करेंगे किसी और पे बोझ, लेकिन दूसरा को मदद कर देंगे, दूसरा को मदद, नहीं समझे। और ये देखिए इंटर हेड एडजस्टमेंट, माने ये पहले अपने हेड से सेटअप करेगा, नहीं होगा तो दूसरा का हेड में चला जाएगा, जैसे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम दूसरा हेड किसी से भी सेटअप करे लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना, नॉर्मल बिजनेस में लॉस हुआ था किसी से भी सेटअप करो लेकिन सैलरी से सेटअप करने नहीं देंगे, सैलरी से सेटअप करने, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 2 जगह से सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और नोट में क्या लिखे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई भी लॉस सेटअप नहीं होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई भी लॉस। अब आता है कैरी फॉरवर्ड, अब क्या आता है, लिखे यहां पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ, ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है, सुन लो ध्यान से, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है, अच्छे सुनिए, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि अगर लॉस एडजस्ट नहीं हुआ इस साल, माने इनसफिशियंट फंड रहा तो लॉस एडजस्ट नहीं हुआ, लॉस एडजस्ट तो अगला साल उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, माने अगला साल का प्रॉफिट से सेटअप करेंगे, अगला साल का प्रॉफिट से, समझ गए क्या बोले, माने सारा लॉस अगला साल के प्रॉफिट से सेटअप कर सकते हैं लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कोई लॉस हुआ है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको कैरी फॉरवर्ड, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हॉर्स रेसेस को छोड़ के, रिसोर्सेस को, देखिए क्या लिखा है, इन केस वेयर द इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर इज इनसफिशिएंट टू सेटअप लॉसेस ऑफ द ईयर देन सच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, अगर कोई लॉस सेटअप नहीं हो पाया तो अगला साल वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अदर देन, अदर देन माने इसको छोड़ के,
लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसको छोड़ के कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द माने लॉस फ्रॉम माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर कोई लॉस हुआ है, अदर सोर्सेस में कोई लॉस हुआ है तो अगर सेटअप हुआ सेम साल तो ठीक है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. लेकिन इसको छोड़ के रेस हॉर्सेस को छोड़ के रेस हॉर्सेस वाला कैरी फॉरवर्ड होगा. रेस हॉर्सेस वाला कैरी फॉरवर्ड क्लियर है क्या? पक्का पूछते हैं बताइएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहां से सेटअप होगा? वेरी गुड. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कहां से सेटअप होगा? प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. प्रॉफिट फ्रॉम, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लॉस फ्रॉम ओरिजिन मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कहां सेटअप होगा? प्रॉफिट फ्रॉम ओरिजिन मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेटअप फ्रॉम सेम हेड और एनी अदर हेड. मैक्सिमम कितना? 2 लाख. लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस कैन बी सेटअप फ्रॉम एनी अदर हेड, एनी अदर एक्सेप्ट सैलरी एक्सेप्ट. लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहां से सेटअप हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और कैरी फॉरवर्ड माने अगर नहीं मीटअप हुआ कैरी फॉरवर्ड कर दो अगला साल के लिए. अगला साल के लिए क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड. इसको हम क्या कहते हैं भाई? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. क्लियर है क्या? पक्का क्वेश्चन लिखे. एक तो क्वेश्चन लिखे हम लोग, एक तो क्वेश्चन लिख के बनाते हैं फिर जाके बुक में आते हैं. लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए. रोना क्यों रो रहे हैं? लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए. लिखो भाई. इनकम फ्रॉम सैलरी, अच्छा थोड़ा सा लाइन लिख दो उसका माथे पे. फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम. 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 लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी रुपीज 1 लाख. इनकम फ्रॉम सैलरी रुपीज 1 लाख. हो गया. उसके बाद में लिखिएगा, उसके बाद में लिखिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000. हो गया. उसके नीचे लिखिए, हाँ उसके नीचे लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000. हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 20,000. उसके बाद देखिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 50,000. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टा खिलवा रहे थे भाई. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस रुपीज 50,000. 50,000. उसके नीचे लिखिए प्रॉफिट. प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस रुपीज 30,000. प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस रुपीज 30,000. हो गया. 30,000. उसके बाद लिखिएगा इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए. ए लिख दीजिएगा बड़ा लेटर. इनकम फ्रॉम बिजनेस ए. इनकम फ्रॉम बिजनेस ए रुपीज 50,000. उसके नीचे लिखे लॉस फ्रॉम बिजनेस बी. लॉस फ्रॉम बिजनेस बी रुपीज 60,000. उसके नीचे लिखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रुपीज 30,000. उसके बाद लिखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रुपीज 30,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज 50,000.
उसके नीचे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रुपीज 30,000। लिख दिए हैं। उसके बाद लिखिए लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग, लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस रुपीज 20,000। हो गया। इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम लॉटरी रुपीज 50,000, 50,000। बस बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन पहले पढ़ के सुना दें, जो लोग वीडियो से करें नीचे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। सुनिए, ध्यान से समझिए, देख रहे हैं क्या लिखवा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दें। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। इनकम फ्रॉम सैलरी 1,00,000 लिख देंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000 है, तो 20,000 से पहले 40,000 एडजस्ट होगा, जो नहीं एडजस्ट होगा वो बाहर निकलेगा, क्या कि किसी भी हेड से ही एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 50,000, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 30,000, तो खाली 30,000 सेटअप हो पाएगा, 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, 20,000 क्या होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस 50,000, लॉस फ्रॉम बिजनेस 60,000, माना 10,000 सेटअप नहीं हो रहा। तो देख लेंगे किसी अदर हेड का इनकम दिखाई देगा तो इसको सेटअप करेंगे, नहीं तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये भी क्या होगा भाई कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000, ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 है तो 50 में से पहले 30 एडजस्ट करेंगे तो 20,000 प्रॉफिट बचा है, और लॉस कितना है 30,000, माना 10,000 एडजस्ट तो कैरी फॉरवर्ड होगा 10,000। लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, इसका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो ये सेटअप ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये क्या होगा कैरी फॉरवर्ड। और इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी वाला तो बेटा किसी लॉस को सेटअप ही नहीं करने देगा, लॉटरी वाला तो किसी भी चीज को सेटअप करने ही नहीं देगा, लॉटरी फॉटरी से जीता हुआ माल में कोई दोस्ती आ रही नहीं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आइए कैसे बनाएंगे देखिए, बोर्ड में हाथ को स्टॉप रखिए, थोड़ा सा ब्रेन को खोल के रखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, खाली समझना है सेटअप कैसे हो रहा। सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, है तो नहीं है तो सेकंड हैंड, तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, चौथा हेड है कैपिटल गेन, पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ए पहला क्या बताओ, इनकम फ्रॉम, दूसरा हेड क्या, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन, सुन रही हो मी, तीसरा क्या प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सैलरी है तो पहले सैलरी लिखना, नहीं है तो मत लिखना, उसको हाउस प्रॉपर्टी से चालू होगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं तो बिजनेस से चालू होगा, थोड़ा सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हाथ को स्टॉप रखिए, ब्रेन को एकदम खोल के रखिए, सबसे पहले क्या है इनकम फ्रॉम सैलरी, ब्रेन को खोल के रखिए, ब्रेन को इनकम फ्रॉम सैलरी 1,00,000, फिर क्या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 20,000, लॉस कितना है, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेटअप होगा, सुन रहे हो, हाथ को स्टॉप रखो एकदम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000। अच्छा मान लीजिए खाली सवाल में रहता लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000, इनकम नहीं रहता, इनकम तो पूरा 40,000 बाहर निकालते, क्या सैलरी से भी एडजस्ट हो जाएगा,
सैलरी से भी एडजस्ट, समझ रहे हैं, लॉस फ्रॉम हॉस्पिटल तो कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा, कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर पूरा 40 रहता तो पूरा 40 बाहर निकाल देते, यानी उसका सेम हेड का इनकम कितना है 20,000, कितना है लॉस कितना है, सुन रहा है, सेम हेड का इनकम कितना है 20,000, लॉस कितना है, तो 20,000 एडजस्ट हो रहा है, मतलब कितना माइनस में निकलता 20,000। ये 20,000 माइनस में निकलेगा कब, जब दूसरे हेड से एडजस्ट होगा तब, नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, बाहर निकालने का दरकार, जब एडजस्ट ही नहीं होगा, माइनस ही नहीं होगा तो बाहर क्यों निकालोगे, माइनस होगा तब ना बाहर निकालोगे। ये 20,000 जो माइनस में आ रहा है, इधर एडजस्ट होने वाला है तो ही निकालेंगे, नहीं एडजस्ट होने वाला है तो छोड़ देंगे वहीं पे। समझे क्या बोले, कैसे पता चलेगा, प्रोविजन, नियम, नियम है तो इतना देर समझाए लिखाए हैं ताकि सवाल बनाने में सुविधा हो, हाथ को स्टॉप रखिए। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दिया है ना, नहीं देता तो नहीं सेटअप होता, नोट में जाता। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना दिया है 30,000, कितना रे बाबा 30,000, लॉस कितना है, लॉस तो ज्यादा है, तो कितना सेटअप हो पा रहा भाई, 30 सेटअप हो पा रहा, इससे ज्यादा सेटअप, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना सेटअप हो पा रहा, 30 है, कितना भाई, ये खाली माइनस में 50 लिख देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, काहे, किसी दूसरे हेड से सेटअप नहीं होता है, यहाँ माइनस 20,000 जो आ रहा है नोट में लिखाएगा कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ₹20,000 कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड टू द, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा विकास, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से सेटअप होगा, और कहीं से सेटअप, तो उसका प्रॉफिट 30,000 है, लॉस 50,000, मतलब 20,000 तो सेटअप नहीं हो पा रहा, तो माइनस में 20,000 है तो कहाँ निकाले, प्लस में रहेगा तो निकालेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो निकालेंगे, बाकी लॉस होगा तो निकालेंगे नहीं, वो नोट में जाएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम बिजनेस ए और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी, इनकम फ्रॉम बिजनेस बी कितना है, लॉस बी है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ए कितना है और बी कितना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए कितना 50,000, लॉस कितना है, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी 60,000, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी 60,000, 10,000 माइनस में, तो ये तो 10,000 कहीं से भी सेटअप हो जाएगा, कहीं से भी सेटअप, लेकिन सैलरी को छोड़कर, सैलरी को, तो फिलहाल तो सैलरी का इनकम दिखाई दे रहा, और कोई इनकम दिखाई नहीं, और कोई इनकम दिखाई, जब दिखाई देगा तो बाहर निकाल देंगे, नहीं तो रहने देंगे, नोट में जाए, कहाँ जाएगा, अब प्रॉफिट बचता तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट धारक से बाहर निकालिए, प्रॉफिट बचेगा तो बाहर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्रॉफिट रहता है 1,00,000, प्रॉफिट कितना रहता, लॉस रहता 60,000, बचा कितना, खुशी खुशी निकाल देते, लॉस में खाली सोचना है, प्रॉफिट में इजीली निकाल देना, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहां से सेटअप हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 माइनस में आ गया, तो माइनस वाला चीज तो निकालेंगे नहीं, कहाँ जाएगा, नोट में, प्रॉफिट रहता तो एकदम बेधड़क निकाल देते, समझे क्या बोले, नहीं लॉस है तो खाली सोचना है। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम ओरिजिनल मेंटेनिंग होगा नहीं, लॉटरी तो लिखेंगे, बट ही बोलता है कि किसी को हम सेटअप करना है, देंगे ही नहीं, समझे क्या बोले, तो लॉस तो सेटअप होगा नहीं इससे, बट लिखेंगे इनकम है, इनकम फ्रॉम लॉटरी कितना भाई, हाँ अरे कमाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लॉस लिखने में दिक्कत है, लॉस लिखने में दिक्कत है, कमाई आराम से, हर सोर्स तो लॉस है, सेटअप नहीं हो रहा, अदर सोर्सेस का तो कमाई है ना बेटा, 5x इनकम का है ना कमाई है, अदर सोर्सेस का, समझ पा रहे,
हो गया, अब तो कुछ है नहीं, ये 10,000 तो सेटअप ही नहीं हो पाएगा। बिजनेस वाला कहाँ कोई इनकम है, सैलरी है, सैलरी तो करने नहीं देगा, और लॉटरी किसी को नहीं करने देगा, तो उसको वहीं छोड़ देना। समझे क्या बोले? बैलेंस करिए कितना हो रहा है, 1,30,000। ये क्या निकला? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल। अब नोट लिखना पड़ेगा जो जो सेटअप नहीं हुआ। पहला क्या नहीं सेटअप हुआ भाई? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन। हाउस में सेटअप हो गया, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम, साइड में नहीं लिखना है, फॉर्मेट के नीचे लिखना है, समझे? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस रुपीज कितना? 20,000 शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द, कैरी फॉरवर्ड टू द अगला साल सेटअप होगा। और क्या सेटअप नहीं होने सका? बिजनेस बी 10,000 उसका लॉस सेटअप नहीं होने का, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, लॉस फ्रॉम रुपीज 10,000 शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। और क्या नहीं लॉस सेटअप होने सका भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना भाई? 10,000। कितना? 10,000। तो लिख देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, रुपीज 10,000 शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एक और है ना, लॉस फ्रॉम, हो गया सर, नहीं वही है भाई, हाँ फिर क्या भाई? लॉस फ्रॉम और मेंटेनिंग कितना? रुपया 20,000 रुपीज कितना है? कितना? 60,000 80 माइनस 60 यहाँ 20 लिख देते, कुछ नहीं, नोट उठ नहीं लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो अच्छा बात है, तो खुशखबरी है, प्रॉफिट है तो, लॉस है तो दिक्कत है, समझे? क्लियर है क्या? क्लियर है? हम यथासंभव कोशिश किए इसमें लॉस सेटअप करने का, ताकि आप लोग आइडिया लग जाए। कॉपी 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 करो।